देखिए धीरंग कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई साले ग्राम गर्ग ने हमारे घर में हमारी मम्मी लोगों को मारा है। देखिए इन लोगों की गैंग। दो से ढाई घंटे पहले मेरे घर पे सालिग्राम गर्ग बागेश्वर धाम सरकार की छोटी भाई सालिग्राम गर्ग ने घर में घुस के हमारी माँ बहन और भांजी के साथ मारपीट की है। आप अपनी स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे होंगे, इन्हें आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। ये हैं भारत के इस समय सबसे मशहूर कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, वहीं दूसरी ओर इनके भाई सालिग्राम है। वहीं आप सोच रहे होंगे आखिर हम आज धीरेन्द्र और उनके भाई के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई सालिग्राम की एक वीडियो बड़ी ही तेजी से वायरल हो रही है और आप यह जो वीडियो देख रहे हैं हम इसी वायरल वीडियो की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे एक बच्ची की आवाज आ रही है और यह बच्ची कह रही है कि यह है धीरेन्द्र के भाई सालिग्राम और नीचे एक काली गाड़ी के ऊपर इशारा करते हुए यह बच्ची कह रही है कि यह सारे लोग हमारे माताओं बहनों को पीटने आए हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं एक व्यक्ति के हाथ में मोटा डंडा भी है और साथ ही यह बच्ची कह रही है कि धीरेन्द्र शास्त्री के भाई अपने लोगों के साथ मिलकर उनके घर में घुसा और उनके माताओं बहनों को पीटना शुरू कर दिया। और साथ ही आप वीडियो में देख रहे होंगे गाड़ी के पास एक पुलिस वाला भी खड़ा है। इससे यह पता चलता है कि इस मामले में पुलिस वाले भी मिले हुए हैं। वहीं आपको बताते चले यह पूरी घटना गड़ा गांव की बताई जा रही है जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भाई सालिग्राम अपने साथियों के साथ एक काली गाड़ी में आता है और साथ ही अपने साथियों के साथ जीतू तिवाड़ी नाम के एक शख्स के घर में घुस जाता है और उनके परिवार वालों के साथ मारपीट भी करने लग जाता है और साथ ही गाली गलौज भी करता है। आप वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार से यह व्यक्ति अपने गुंडों के साथ मिलकर इस घर के सदस्यों के साथ मारपीट कर रहा है और साथ ही यह धीरेन्द्र शास्त्री का भाई सालिग्राम घर के बुजुर्गों को भी बड़ी ही बेरहमी से मारता पीटता है और घर में मौजूद महिलाओं के कपड़े भी फाड़ देता है। वहीं इस वीडियो के बाद एक और वीडियो सामने आई जिसमें जीतू तिवाड़ी नाम का व्यक्ति जिसके परिवार वालों के साथ यह मारपीट हुई उसका कहना है कि मेरा नाम जीतू तिवारी है, मैं ग्राम गड़ा बागेश्वर धाम का रहने वाला हूँ। अभी दो से ढाई घंटे पहले मेरे घर पे सालिग्राम गर्ग बागेश्वर धाम सरकार के छोटे भाई सालिग्राम गर्ग ने घर में घुस के हमारी माँ बहन और भांजी के साथ मारपीट की है। हम थाने आए हैं, थाने में कोई FIR नहीं लिखी जा रही है, ना ही उस छोटी सी FIR लिख दी उन्होंने गाली गलौज की और कुछ नहीं लिखा जा रहा है। अब हमारी भांजी का साथ गलत किया इन्होंने, कपड़े फाड़ दिए, गंदी गंदी गालियां दी, नाबालिग भांजी है हमारी और हमारी बहन का हाथ तोड़ दिया, हमारी माँ को मारा, हमारे पिता को मारा, हमारे सभी पूरे घर को मारा है, हम घर पे थे नहीं। अचानक आए, इन्होंने मारपीट शुरू कर दी। घटना की वजह यह है कि ये कहते थे कि हमारे साथ रहो, हम इनके परम मित्र हैं, ये कहते थे हमारे साथ रहो और जो भी हम करेंगे वो तुम भी करो। ये नशा करते हैं, दारू पीते हैं, बहुत से कुकर्म करते हैं, हमने इनमें इनके साथ रहना बंद कर दिया था, जबरदस्ती कर रहे थे। कल इनका फोन आया कि आओ, हम नहीं गए तो इन्होंने हमारे घर में आकर आज मारपीट कर दी। अब आप लोग बताओ हम क्या रहे, क्या कोई नहीं है हमारा, ना कोई हमारी सहायता कर रहा है, ना कोई हमारी मदद कर रहा है। अब फर्जी केस लगवाने की सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर फर्जी केस लगवाएंगे, झूठे आरोप लगवाएंगे, हमें जेल पहुंचा देंगे या जान से मरवा देंगे, कुछ भी कर ले, लेकिन मैं इस व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि इसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है, इसने हमारी माँ को मारा है, हमारी बहन को मारा है, इस व्यक्ति को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा चाहे मेरी जान क्यों नहीं चली जाए। वहीं आपको बताते चलें इस पूरी घटना की सूचना मिलने के बाद बमीठा थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है लेकिन इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं करती और जब यह मारपीट का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल होता है तब जाकर छतरपुर पुलिस धीरेन्द्र शास्त्री के भाई सालिग्राम और उनके गुंडों के खिलाफ केस दर्ज करती है। क्या नाम है आपका? जीतू तिवारी। थाने क्यों पहुंचे फिर से? कल से एक विवाद लगातार चल रहा है, क्या है ये पूरा मामला? हमारे घर, हम लोग घर गए थे तो हमारे वहाँ पे आए कुछ लोग, उन्होंने धमकी देते हुए गाड़ी से स्पीड में आए, बोले हमारे गंदी गंदी गालियां दी हैं तो मैं भी उठा लेंगे और सालिग्राम महाराज का व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया है कि अब तो मैं 72 घंटे में घर से उठा लेंगे, जान से मार देंगे। लॉरेंस बिश्नोई को तुम अच्छे से जानते हो ना,
उनसे उनके कॉन्टेक्ट है या नहीं भगवान जाने, लेकिन उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई की हमको धमकी दी है। अब ना ही हम घर में रह पा रहे हैं, नहीं कहीं रह पा रहे हैं। ये बताइए, घर हम लोग कल FIR भी हो गई थी ना जी, FIR होने के बाद कोई कार्रवाई हो? कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही पुलिस हमारे घर गई है, ना ही हमारे पुलिस ने हमारी सुरक्षा की है। जीतू तिवारी शालिग्राम का एक अच्छा मित्र हुआ करता था, छोटे सरकार आपने बनाया, फिर ऐसा कौन सा कारण आ गया कि आज आप लोग थाने भटक रहे हैं परिवार के साथ? वो कह रहे हैं जबरदस्ती के हमारे साथ रहो, हम उनके साथ नहीं रहना चाहते, जबरदस्ती कर रहे हैं, बोले रहो तुम तो हमारे साथ। ऐसा दबाव कैसे बन सकता है, मतलब जबरदस्ती रहना? अब वो बना रहे हैं, क्या करें, उनका सब कुछ है उनके हाथ में। तो आखिर कोई वजह तो होगा? वजह यही है, तुम तो कह रहे थे कि तो हमारी बात यहाँ से वहाँ लीक करते हो, हमने कहा हमारी कॉल डिटेल निकालो, उन्होंने कॉल डिटेल निकाली, उसमें कुछ नहीं निकला। तो कह रहे हैं कि अब ठीक है, कुछ नहीं निकला, तुम आ जाओ हमारे साथ रहो। उनके वैसा कैसे, एक बार आपने हमें निकाल दिया, अब कह रहे हो दोबारा आओ। आपने अपने वीडियो में जो वायरल हो रहा है आपका वीडियो, उसमें कह रहे हैं कि कई प्रकार के कुकर्म भी करते हैं, तो किस प्रकार का, क्या कुकर्म करते हैं? कुकर्म बहुत से करते हैं, उन्होंने बहुत से कुकर्म किए हैं, उनके बहुत से साक्ष्य हैं हमारे पास, समय आने पर वो भी दिखाया जाएगा। अगर नहीं मानते हैं, ये नहीं सुधरते हैं, तो ये भी दिखाया जाएगा। धाम का नाम तो बदनाम हो रहा है, इसीलिए तो नहीं कर रहे ना कुछ, कि धाम का नाम बदनाम ना हो। तो वो तो वैसे भी हो रहा है, तो क्या करें। गिरीन कृष्ण शास्त्री खुद उनको सपोर्ट करते हैं, उनके घर गए थे हम, उनसे मिलने गए थे, वहाँ के CCTV फुटेज निकालो, 4 घंटे बैठे रहे उनसे मिलने के लिए, उसके बाद वो मिले हम। सबसे पहले धमकी कब मिली थी आपको? परसों मिली थी हमें रात, उसके बाद आपने गिरीन कृष्ण शास्त्री महाराज जी के यहाँ गए, 4 घंटे उनके यहाँ बैठे रहे, इसके बाद वो मिले, उन्होंने कहा कि वो पागल हो चुका है, उससे दूर रहो, वो मार भी सकता है तुम्हें, कुछ भी कर सकता है। हमने उनसे कहा कि कहाँ जाएं हम, आप बताओ। नहीं, घटना के पहले आपने से कहा? घटना के पहले हम उनके यहाँ गए, तो उनकी माँ जी के यहाँ गए, उनसे भी कहा, वो कह रही थी नहीं कुछ होगा, फिर 10 मिनट बाद वो अपने पूरी फौज लेके आ गए हमारे यहाँ। जी सर, क्या है गड़ा का मामला जो वीडियो मार्केट के वायरल हुई है? ये वीडियो जो आप जिसका आप चर्चा कर रहे हैं, ये ग्राम गढ़ा का है, और इसमें फरियादिया जो है मुन्नी तिवारी जी, उन्होंने थाने में कंप्लेन करी है कि उनके साथ मारपीट हुई है। इसमें हमने FIR रजिस्टर्ड कर लिया है, जो MLC रिपोर्ट थी उसके आधार पे 323-294-506 के तहत, और इसमें 3 नामजद आरोपी हैं जो भी उसी गांव के हैं। इसमें 3 हैं नामजद आरोपी, एक इसमें शालिग्राम गर्ग है, दूसरे कुलदीप ठाकुर और तीसरे मंजीत सिंह परमार है। सर, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें पुलिस ने भी देखा है 10 से 15 लोग FIR 3 पर। जैसे मैंने बताया आपको कि फरियादिया की कंप्लेंट में हमने प्राइमा फेसी 3 लोग में FIR किया है, आगे इसमें जो भी फैक्ट आएंगे, जो भी साक्ष्य आएंगे, एविडेंस आएंगे, और इसमें स्टेटमेंट भी होंगे फरियादी पक्ष के, उस अनुसार इसमें 3 लोग हैं इसमें नामजद हैं, इसमें एक शालिग्राम गर्ग है, एक कुलदीप ठाकुर, एक मंजीत सिंह है। शालिग्राम गर्ग के ऊपर पहले से भी मुकदमे दर्ज हैं, और सर अभी तक वैसी क्या कार्रवाई हुई है पुलिस के द्वारा ठोस की? इसमें हमने सभी में FIR करी है, जो अभी प्राइमा फेसी मुझे ध्यान आ रहा है 2 पूर्व के मामले, एक तो ऑलरेडी सब जुडिस है, और दूसरा मैटर बड़ा नहरक पास टोल के विवाद का था, उसमें भी FIR रजिस्टर्ड है, उसमें भी कार्रवाई की। गिरफ्तारी के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं, टीम बनाई जा रही है क्या? नहीं, निश्चित इसमें SGP जो खजुराहो हैं उनके माध्यम से टीम कार्रवाई कर रही है, और जल्दी इस प्रकरण को हम पहले सर मामले में फरार चल रहा है। मैंने आपसे जैसे बताया ना, एक मैटर ऑलरेडी सब जुडिस है, कोर्ट में है, और एक मैटर में इनकी गिरफ्तारी और आगे कार्रवाई होगी। सर, गिरफ्तारी को लेकर क्या प्रयास है? इसमें SGP खजुराहो के नेतृत्व में कार्रवाई की जाएगी, और बहुत जल्दी हम इसको क्लोज करेंगे।